हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप सभी का स्वागत करता हूं वापस से और एक नए ब्लॉग पे। दोस्तों आज का ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। इससे पहले एक ब्लॉग मैंने बनाया था जो कि चर्च, मॉल और फिश मार्केट, बाद में अपना ये योगासन वाला रोड है उस पर, और फिर से मैं योगासन वाले रोड से ही एक ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो भी जाएगा लगता है। बहुत टाइम है मेरे पास, मस्त सीनरी ऐसी आ रही है दोस्तों कि मेरा रहा ही नहीं जा रहा है बिना ब्लॉग किए। तो हाँ, आप लोग बने रहना भैया आखिर तक, शायद 7-8 मिनट तक जितना भी ब्लॉग जनरेट हो पाएगा आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग बने रहना, देख सकते बहुत प्यारी लोकेशन है गाइज, और पसीने थोड़े आ रहे हैं, उसको पसीनों को इग्नोर मारिएगा और इन्जॉय हो रहा है काफ़ी अकेला अकेला। ओके, बने रहना आप लोग आखिरी तक। ऑल राइट गाइस, चेक करो ये भगवान परशुराम जी का यहाँ पे स्टैचू बना रखा है। देखिए अभी मैं फ्रंट में से दिखाता हूँ आपको, फिलहाल ये लोकेशन चेक करो एक बारी, बहुत प्यारी सी लोकेशन पे मैं अभी घूम रहा हूँ फिलहाल अकेला अकेला, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारा बना रखा है घूमने के लिए, स्पेशली वॉक के लिए, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह बना रखी है यहाँ पे। देख रहे अभी मैं भगवान श्री परशुराम जी के दर्शन कराने वाला हूँ आपको। ये बैक साइड से है दोस्तों नज़ारा, अभी फ्रंट साइड से इतना क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि सनलाइट पड़ रही है उसी तरफ से, फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत जितना भी दिखेगा। देख सकते क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, ये चेक करो, गोमंत भूमि जनक श्री परशुराम जी पधार रहे हैं, चेक कीजिए, और बिल्कुल इनके पीछे, पीठ के पीछे सन है दोस्तों, इसलिए पीठ के पीछे नहीं, सॉरी सर के ऊपर, देखिए ये लेफ्ट साइड में। तो भैया ये बना रखा बहुत प्यारा सा परशुराम जी का, एक दो फोटो भी खींच लेते हैं। पिछले आधे घंटे से चलता जा रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा पार्क है जहाँ पर मैं अभी शायद नहीं जाऊँगा। ये चेक करो, एक लालो आ गया यहाँ पे, देख रहे हो बहुत प्यारी लोकेशन पे आ रखा हूँ दोस्तों आज मैं। ऑल राइट, तो गाइस सबसे पहले ये लोकेशन चेक करो, बहुत प्यारी लोकेशन है यार, देख रहे हो पूरा समंदर है सामने में, आए बिल्कुल नहीं है दोस्तों आज। और यहाँ पे सामने में है गार्डन जो कि आज के इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा पूरा गार्डन, बच्चों के लिए एक्चुअली ये गार्डन, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, बच्चे लोग को मज़ा आएगा ये ब्लॉग में। देख सकते हैं सामने में झूल रहे बच्चे लोग, अभी मैं वहाँ पे जाने वाला, उससे पहले थोड़ा सामने जाया जाए क्योंकि पहले आज तक मैं कभी गया नहीं इस तरफ। देख सकते हैं यहाँ पर फ्रूट वाले भी आ रखे हैं भैया, मस्त आइसक्रीम मिल रही है, देख रहे हैं ऐसा, चेक करो धूप काफ़ी कड़क धूप है और यहाँ पे घूमते हैं मस्त अभी हम। और ये पत्थर चेक करो, धूप गिर गिर के कितने काले हो गए यार, पत्थर तक काले हो गए दोस्तों, हमारी क्या ही औकात पत्थरों के सामने, हम तो खाली नॉर्मल चमड़ी के हैं, हम भी काले पड़ जाएंगे अभी 2 मिनट के अंदर, फिलहाल हम चल रहे हैं भैया अकेले अकेले, देख सकते हैं निहार रहे भैया। पता नहीं दोस्तों कितना लंबा ये ट्रैक बना रखे हैं, अभी 1 घंटा हो गया मेरे को चलते और बैठते और ब्लॉग बनाते, देख सकते हैं अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा ये रूट, और यहाँ से एग्जिट पॉइंट भी दिया है दोस्तों, और मैं चले जा रहा हूँ बहुत दूर अभी भी दिखाई दे रहा है, देखते हैं आज लास्ट तक जाके देखेंगे कैसा है। ये दिखा रहे हैं आपको दोस्तों, थोड़ा मैं रूट चेंज कर लेता हूँ, छाया की तरफ से चलता हूँ, इधर बहुत धूप है दिख रहा हूँ, और एक रूट ये बना रखा है जिसमें बिल्कुल छाया आ रखी है अभी, देख सकते हैं। चलिए ये रूट से चलते हैं अपन, मिलता हूँ आगे आपको। ये मेरे ख्याल से दोस्तों पुराना एक लाइट हाउस है जो कि बोटों को यहाँ पर सिग्नल देता होगा रात के टाइम पर, देख सकते हैं इतना बड़ा अभी इसका पूरा डेंटिंग वेंडिंग करना रहेगा शायद,
पूरा सरिया दिख रहा है, देख सकते हैं आप पूरा प्लास्टर उखड़ चुका है। ये चेक करो गाइस बोगनविला कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे पिंक कलर का वर्क है। ये गार्डन है पूरा का पूरा, यहाँ पे शायद कला एकेडमी है क्या है मालूम नहीं मेरे को। सामने में ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए सब कुछ है व्यवस्था, लंच डिनर सब बोल रहे हैं, पर मैं इधर जाऊंगा नहीं अभी, खाली ये गार्डन आप लोग को एक्सप्लोर करा रहा हूँ। देख सकते बहुत प्यारा लग रहा है, आम के झाड़ लगे हुए हैं, नारियल के झाड़ है, और कौवे इंजॉय कर रहे खूब अपना यहाँ पे, देख सकते ऐसा। ये पता नहीं गाइस किस चीज़ के लिए, मेरे ख्याल से बोट में जाने के लिए है, नो एंट्री है इधर फिलहाल हमारे लिए, देख सकते हो। मुझे लगता है कुछ बोट वगैरह के लिए ही होगा। और यहाँ पे भैया ग्राउंड बहुत प्यारा, देख सकते हैं अभी भी ये ट्रैक मेरा ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, बहुत लंबा लग रहा है। चेक करो गाइस कितना प्यारा पेड़ यहाँ पे, इसके नीचे मैं अभी छाया ले रहा हूँ, इसकी बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा आ रही है समंदर की तरफ से, देख सकते हैं पेड़ बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, बहुत घना पेड़ है। ओके तो गाइस यहाँ पे है बहुत बड़ा एक स्टेडियम टाइप का फील्ड है, स्टेडियम नहीं एक्चुअली फील्ड है जहाँ पे चल रहा है भैया क्रिकेट, देख सकते हो। मेरे को भी यार गांव की याद आ गई, हम लोग भी ऐसे ठंडियों में क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते थे, तो यहाँ पे चल रहा है देखिए बहुत प्यारी ग्रीनरी छा रखी है। और यहाँ पे चेक करो गाइस नज़ारा, इतना बड़ा बोट शायद एक क्रूज रहेगा, देख सकते हैं फेरी भी जा रही है वहाँ पे, और अभी तक मेरा ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, थोड़े थोड़े 50-50 मीटर के डिस्टेंस पे एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। धूप बढ़ती जा रही है दोस्तों और ये रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है, और मैं यहाँ पे हार मान चुका हूँ इससे आगे बढ़ने का, मैंने फैसला जो था वो यहीं पर निरस्त कर दिया, और वापस से मैं जाता हूँ थोड़ा गार्डन वार्डन दिखा देता हूँ, यहाँ पे कैंटीन है देख सकते हैं ऊपर, और मैं वापस जा रहा हूँ अभी फिलहाल यहीं पे अलविदा बोलता हूँ। ये जगह किसी और दिन जाएंगे जब भी मेरे पास थोड़ा लंबा टाइम रहेगा, अभी थोड़ा मेरे पास आधा ही घंटा बचा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारा अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। चलिए आपको मैं मिलता हूँ आगे गार्डन में। ओके गाइस आज मैं बहुत दिनों बाद शूज़ पहन के यहाँ पे निकला हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं पैरों में छाले ना हो गए हों, अभी घर जाके ये पता चलेगा। और यहाँ पे थोड़ा एक ओवर में इंजॉय कर लेता हूँ ये मैच, देख सकते बहुत प्यारा मैच चल रहा है सामने में, टुक टुक खेल रहे लेकिन, और धूप काफ़ी कड़क है देख सकते हैं, यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर बंदा हार्दिक पांड्या खड़ा है। ऑल राइट तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ वापस गार्डन की तरफ, गार्डन में अभी थोड़ा बहुत सी इंसान करते हैं, बाद में बढ़ते हैं अपने लोकेशन की तरफ, देख सकते हैं ये जगह को मैं अभी अलविदा बोल के जा रहा हूँ। 12:30 हो चुके हैं दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ गार्डन एरिया की तरफ। ऑल राइट तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ गार्डन एरिया में, देख सकते हैं आप बच्चों की चिकचिकाहट यहाँ पर चल रही है, बच्चे बच्चे यहाँ पे ज़्यादा हैं, बच्चे और कपल यहाँ पे देखो झूला झूल रहे बच्चे, हाँ कुछ बच्चे यहाँ पे भी है दोस्तों। इससे पहले कनिष्क को भी हम लाए थे ये गार्डन पे, मस्त देख सकते हैं सभी कपल वगैरह ही आ रखे हैं यहाँ पे, देखिए काफ़ी मस्त सीनरी है यहाँ पे आ रहे हैं। कहीं बैठ के मैं थोड़ा सा विश्राम करना चाहता हूँ गाइज, देख सकते हैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, क्या ज़बरदस्त फुटेज आ रहा है गाइज यहाँ पे पार्क का, देख सकते हैं चारों तरफ मस्त पेड़ लगे हुए हैं ऊँचे ऊँचे, एक किस चीज़ के पेड़ है मालूम नहीं, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना गाइज। और यहाँ पे ब्रिज बना रखे हैं अभी, आपको दिखाऊँगा मैं जाते वक्त, फिलहाल यहाँ पर चेक करो यहाँ पर है बच्चे बहुत सारे जो कि फुल इंजॉय कर रहे हैं अपना। ऑल राइट तो गाइस 5 मिनट के ब्रेक के बाद फाइनली मैं फिर से निकल चुका हूँ, और ये तालाब दिखाने की कोशिश कर रहा था पर तालाब में पानी नहीं है, और यहाँ पे एक बगुल घूम रहा है, चेक करो बिल्कुल खाली पड़ा है ये तालाब, बारिश का सीज़न ऑफ हो गया है इसके लिए खाली पड़ा लगता है, बाकी गार्डन बहुत मज़ेदार है दोस्तों। और जिस बात का मेरे को डर था दोस्तों, पैर में छाला पड़ ही गया, जूता मैंने आज पहली बार नया जूता पहना था ये वाला,
और छाला हो चुका है दोस्तों, कोई बात नहीं। आज बहुत दिनों के बाद भी मैंने ये सूज डाला था, इसके लिए छाला हो गया। और बहुत कम से कम 5 किलोमीटर में चला हूँगा आज, पूरे 3 घंटे के अंदर। और फिलहाल इस गार्डन को भी मैं यहीं पे रख के जा रहा हूँ आगे, और चलते हैं कुछ खान पान कर लेते हैं, नाश्ता, फिर जाएंगे घर को। ब्रिज कितना शानदार बना रखा है देखिए। अच्छा चलो आगे से मैं एग्जिट मारूंगा। आया था मैं दूसरे उस तरफ से आया था और जा रहा हूँ इस तरफ से, ये इजी होगा, मेरे को जल्दी पहुँचा देगा मेरे बाइक के पास, देख सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा आज अभी भी मेरे को ये गार्डन में, पार्क एक्चुअली चिल्ड्रन पार्क पणजिम में है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से और क्राउड आ रहा है। बहुत अच्छा पिकनिक प्लेस समझ लो, ये इधर भी लोग बैठे हुए हैं। ये झाड़ का नाम पता नहीं यार, बहुत प्यारा है, बहुत ग्रीन ग्रीन है। आप बताना कमेंट में गाइस ये झाड़ का नाम क्या है। भाई साहब कितनी प्यारी जगह बना रखी है यार, देख रहे हैं, मस्त लग रहा है, मस्त। ये चेक करो, काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे, यहाँ से एक बार देख लो भाई साहब, बहुत प्यारा बना रखा है, देख रहे हो। ये तो सिनेमेटिक शॉट आ गया गाइस, बहुत ही प्यारा, देख सकते आप। और ब्लॉग को भी यहीं एंड करूंगा गाइस मैं अभी, उम्मीद है कि आपने खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय जंगल सफारी, बाय बाय पार्क। ऑल राइट तो गाइस यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, 55 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया गोवा, और चेक कीजिए यहाँ पे शायद इंस्टॉल लगाने के लिए ये सब बना रखे हैं, देख सकते हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, और इसके पीछे का नज़ारा आपको मैं एक बारी चेक कराता हूँ। भाई साहब गंदा है पानी, लेकिन सीनरी काफ़ी ज़बरदस्त है, देखिए ग्रीन ग्रीन।